हेलो, मैं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी कोच का जलने के बाद में क्या हश्र होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तीन कोच अंदर से जल चुके हैं। आगे के दो कोच थोड़े ज़्यादा जले हैं, पीछे वाला थोड़ा कम जला है। और कौन सी गाड़ी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पेंचवली एक्सप्रेस या फिर इंदौर भोपाल एक्सप्रेस के भी रेक इसी गाड़ी के रहते थे। और साथ ही साथ छिंदवाड़ा से बैतूल के लिए पैसेंजर बनकर भी ये चलती थी। और फिलहाल ये उस दिन बैतूल में खड़ी थी जब इसके साथ ये हादसा हुआ है, जिसमें कि इस ट्रेन के तीन कोच में आग लग गई थी। ये वाला कोच थोड़ा पार्शियली जला है, पूरा नहीं जला। और आगे के कोच आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे जल चुके हैं। अब किसी भी कोच के जलने के बाद उसके अंदर का क्या हालत होती है, चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ पूरा अच्छे से अंदर में। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये है S3 और आगे है S4 और S5 कोच। चलिए अब इसके अंदर में चलते हैं हम। तो यहाँ पर आप पहले यही चीज़ देख लीजिए कि नीचे के कंपार्टमेंट में कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है। नीचे कुछ भी नहीं जला है, जितना भी जला है सब कुछ अंदर ही जला है इसके, ये देखिए। और बहुत दिनों से कोच यहीं आमला जंक्शन में खड़े हुए हैं और यहाँ से कहीं पर ये जाने भी नहीं वाले। ऐसे ही जब गोधरा कांड हुआ था गोधरा में, उसमें भी सारे के सारे कोचेस ऐसे ही खड़े हुए थे। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कई दिनों से यहाँ पर ये खड़े हुए हैं और बाद में कभी हो सकता है इन कोचेस को यहाँ से लेके जाएंगे बाहर। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। अब एक बार आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर इस ट्रेन में आग कैसे लगी थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन थी 09589, जो कि बैतूल से छिंदवाड़ा पैसेंजर बन के चलती है। मतलब ऐसे तो ये पेंचवली एक्सप्रेस के रेक है जो कि इंदौर से छिंदवाड़ा के बीच चलती है, लेकिन काफी देर तक ये ऐसी ही रखी रहती है छिंदवाड़ा में। तो इसको पैसेंजर की तरह बना के वापस से एक बार बैतूल भेज लेते हैं और फिर बैतूल से छिंदवाड़ा बुला लेते हैं। तो वैसे ही ये पैसेंजर बन के बैतूल के स्टेशन गई थी और वहां पर फिर ये थोड़ी देर के लिए पिट लाइन पर जाकर खड़ी हो गई थी। मतलब कि वहां पर इसको यार्ड में खड़ा कर दिया गया था थोड़ी देर के लिए, 23 नवंबर 2022 को। लेकिन वहीं जहां पर ये खड़ी रही है, मतलब कि यार्ड में, उसी टाइम पर इसके तीन कोचेस में आग लग गई, जिसमें से दो कोच तो कुछ ज्यादा ही भयंकर तरीके से जल गए और एक कोच पार्शियली जला। अब क्योंकि ये यार्ड में खड़ी थी तो इसमें कोई लोग नहीं थे, जिस कारण से सभी लोगों की जान बच गई इस ट्रेन के जलने में। और बाकी इसमें कोई लोग नहीं थे इसलिए जब इसमें आग लगी है तो किसी को ये चीज पता भी नहीं लग पाया और आग इसलिए इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे कि बाजू वाले कोच में भी आग पकड़ ली और काफी ज्यादा ये जल गए। जब तक कि रेलवे के स्टाफ को पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड वगैरह आए और क्योंकि ये आग लगी थी बैतूल में, जो कि MP में आता है और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इसलिए वहां पर फायर ब्रिगेड तुरंत ही आ गई और इस ट्रेन की आग को बुझा दी। इसके बाद रेलवे ने इसकी बहुत दिनों तक जांच करी, फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रिपोर्ट्स में कुछ भी खास खुलासा हो नहीं पाया। तो अब चलिए आप इस ट्रेन के अंदर में देखिए कि क्या हाल है। तो ये देखिए इसके अंदर की हालत क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कोच पूरे के पूरे जले पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा कचरा जो कि जल गया है। ये देखिए आगे टॉयलेट का भी क्या हाल है, दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर में ना जाने कौन से सांप और बिच्छू होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा अंदर आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए टॉयलेट का यहाँ पर क्या हाल हुआ पड़ा है, पूरे के पूरे यहाँ दरवाजे जल चुके हैं। ये देखिए ऊपर का जितना पोर्शन रहता है यहाँ पर, ये देखिए टंकी भी दिख रही है, ऊपर का भी सब कुछ जल चुका है। आगे तक आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर पंखे वंखे लगे रहते थे, पंखे जलने के बाद नीचे की तरफ गिरे हैं यहाँ। और यहाँ से देखते हैं सीट्स का क्या हाल है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी सीट बची नहीं है, सबकी सब जल गई है। ऊपर की तरफ भी यहाँ पर देखिए सारी सीट्स जल चुकी हैं और आगे भी यही हाल है, पूरा का पूरा कोच ऐसी ही है। ये देखिए यहाँ पर मिडिल सीट भी हुआ करती थी जो कि नीचे की तरफ पड़ी है, और ये चेन से इसको बांधा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहे का जितना सामान था वो लगभग सही सलामत है, बाकी सब कुछ यहाँ पर टूट फूट चुका है। और आगे आप यहाँ पर ये देखिए खिड़की भी किस तरह से यहाँ जली हुई है, ये देखिए पूरी की पूरी खिड़की भी जल चुकी है। आगे में ये यहाँ पर स्विच बोर्ड वगैरह हुआ करते थे, ये देखिए आप देख सकते हैं पूरा जल चुका है। और ऊपर ये देखिए चेन रहती थी, चेन का भी कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक रस्सी बची हुई है। तो अंदर से जितना भी लोहा बचा था, ये देखिए यहाँ पर लाइट भी है, वो पूरा का पूरा बचा हुआ है। पूरा आर पार एक कोच दिख रहा है, बीच में जितना भी सामान था सब गायब है, सब कुछ यहाँ पर जल के नीचे की तरफ पड़ा हुआ है। और सिर्फ बचा है तो ये देखिए यहाँ पर एक कॉटन वॉटन है, ये सब यहाँ पर इस तरह का सामान बचा हुआ है, बाकी सब कुछ यहाँ पर जल के खाक है। बाकी ये देखिए यहाँ पर जो खिड़की को ढकने के लिए बना रहता था वो भी ऊपर की तरफ आ चुका है, बाकी का पूरा पोर्शन जल गया है, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ इसमें बस ये अच्छा हुआ था कि कोई भी लोग इसमें मरे नहीं थे। और वहीं देखिए ये जो आगे वाला कोच है जो थोड़ा पार्शियली जला था, उसको यहाँ से बंद कर दिया गया है रेलवे द्वारा, और जो आगे के कोच है वो खुले हुए हैं। चलिए मैं आपको उस तरफ लेके भी चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मुझे तो चलने पर भी डर लग रहा है। और ये देखिए यहाँ ये पंखा गिरा पड़ा है,
तो ऊपर से जब ये पंखे जले हैं तो नीचे की तरफ गिरे हैं। ये देखिए यहाँ पर और दो पंखे, ये देखिए कितने कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है। बस ये चीज़ अच्छा हुआ कि यहाँ कोई मरा नहीं है। नीचे भी आप देख सकते हैं सिर्फ जो लोहे का पोर्शन है वो बचा हुआ है, ये देखिए, बाकी ऊपर में जितना भी सब कुछ लगा रहता था सब टूट फूट चुका है। और ये कोच बहुत बुरी तरीके से जल चुका है। ये देखिए यहाँ पर स्टील की प्लेट है जो कि बची हुई है, और आगे के भी कोच का यही हाल है। ऊपर ये देखिए इस तरह से जल चुका है सब कुछ, और जितना यहाँ पर चलने लायक कंडीशन थी आगे वाले कोच में तो उतना भी नहीं है। मैं आपको दूर से ही दिखा देता हूँ किस तरह का कोच है वो भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उधर चलने लायक भी कंडीशन नहीं है, पूरा का पूरा लोहा कुछ ज़्यादा ही जल गया है। इस साइड में ये देखिए वेस्टिब्यूल रहते हैं, ये भी यहाँ पर सब कुछ जल चुका है, सिर्फ और सिर्फ लोहा बचा हुआ है जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। और आगे देख लीजिए यहाँ पर भी टॉयलेट्स कैसे हैं, और ये दरवाजे को आप देख सकते हैं, दरवाजे का पूरा आगे का पोर्शन वगैरह सब कुछ जल चुका है, सिर्फ दरवाजे बचे हैं। तो चलिए अब इससे नीचे चलते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बांद्रा टर्मिनस BDTS इसका मेंटेनेंस की जगह होगी। ये सब कुछ तो लगभग सही सलामत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंट टेंट उखड़ गया है आगे का, और बाकी का पूरा कोच जल चुका है एकदम बुरी तरीके से। तो ये होता है जलने के बाद कोच का कुछ हालत, कुछ भी नहीं बचता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम उतर जाते हैं इस कोच से। ये देखिए हम आ चुके हैं नीचे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और पता नहीं ये कोच यहाँ पर कब तक खड़े रहेंगे, लेकिन जब भी आप आमला जंक्शन से गुजरेंगे तो आप इन कोचेस को आके देख भी सकते हैं, कोई तो यहाँ पर आपको पूछने वाला नहीं है। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेंड्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।